10.5.3 अपवर्तन के नियम। प्रयोग: आपतन कोण व अपवर्तन कोण के बीच में संबंध स्थापित करना। आवश्यक सामग्री: ड्राइंग बोर्ड, सफेद कागज की शीट, ड्राइंग पिन, आलपिन, कांच का आयताकार गुटका, पेंसिल, स्केल व चांदा। विधि: ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की शीट लगाएं, शीट के बीचों बीच कांच का आयताकार गुटका रखें, पेंसिल से गुटके की सीमा रेखा खींचकर इसे ABCD नामांकित करें, गुटके को हटाकर AB पर लंब MN खींचे, MN से किसी कोण पर एक रेखा खींचे और दो पिने E व F इस रेखा पर ऊर्ध्वाधर लगाएं। अब गुटके को फिर से सीमा रेखा पर रखें, दो अन्य पिन लेकर विपरीत फलक से पिन ई तथा एफ के सीध में लगाएं। गुटके को हटा दें। इसके पश्चात सभी पिने हटाकर पिनों द्वारा बने बिंदुओं पर छोटे गोले बना लें। अब ई एफ को AB तक बढ़ाकर O पर मिलाएं व GH को CD तक बढ़ाकर O' पर मिलाएं। O तथा O' को मिलाएं। O' पर अभिलंब M'N' खींचिए। आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरण ने बिंदुओं O व O' पर अपनी दिशा बदली है, जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। उपर्युक्त प्रयोग को अलग अलग आपतन कोण के लिए कई बार दोहराकर प्राप्त परिणाम को सारणी में भरो। दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना करें। चित्र में दिखाए अनुसार आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण GH आपतित किरण EF की दिशा के समानांतर है। प्रत्येक युग्म के लिए आपतन कोण व निर्गत कोण का मान भी समान पाया जाता है, अर्थात आयताकार कांच के गुटके के विपरीत फलकों पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिणाम समान तथा विपरीत है। प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। अपवर्तन के नियम इस प्रकार हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यदि I आपतन कोण हो तथा R अपवर्तन कोण हो तो साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक या म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यह स्नेल का नियम भी है।